गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। कैसे हैं आप सभी? जी हाँ, बिल्कुल, सुबह के 5 बज चुके हैं और आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। जीरो लेवल मैथ, इसको मैं पहन लेता हूँ भाई। देखिए, बहुत सारी ठंडी हो रही ना, कुछ लोगों को उठने का मन नहीं कर रहा है। बिस्तर छोड़ के कौन उठे सुबह सुबह क्लास देखे? आँख फोड़े फालतू, क्या मतलब है ना? पर क्या आप जानते हैं, ना कोई कष्ट ना कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना कोई कष्ट ना कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपके दिमाग में कुछ करने का, आपके दिल में कुछ बनने का चाहत है, सपना है, तो आप सुबह 5 बजे नहीं, रात्रि के 2 बजे की क्लास को भी देख सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे गुणनखंड विधि से एलसीएम। जैसा कि आप जान रहे हैं, एलसीएम की क्लास बहुत सारी हो चुकी है, लेकिन ये जीरो लेवल मैथ का है जो सुबह चलता है। आपने एलसीएम डीएलएड की क्लास में देखा होगा, यूपी टेट की क्लास में देखा होगा, यूपी पुलिस, बिहार एसआई और हरियाणा एसएससी की क्लास में एलसीएम पढ़ लिया होगा, लेकिन आपने जीरो लेवल की मैथ में एलसीएम नहीं पढ़ा, वो भी गुणनखंड विधि से। आज पढ़ेंगे कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। सब कुछ क्लियर है ना? तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, काफी समय हो गया है तो हम हल करते हैं। बाबू देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, जो नंबर दिया होता है, सबसे पहले तो मैं आपको एलसीएम का बेसिक बता दूं तो आप लोग इसे समझ लें। एलसीएम होता क्या है? जैसे नंबर हमारे हैं 4 व 6, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो 4 व 6 दोनों से क्या हो जाए, कट जाए, वो क्या कहलाएगी? आपकी एलसीएम कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? जल्दी से आप लोग बताएं, सही है कि नहीं? सही है ना? तो आप अगर देखें तो 4 और 6 दोनों से कटे, कौन सी संख्या कटेगी? देखिए, 4 और 6 दोनों से कटना है। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 तो 4 से कट जाएगी, बट 6 से नहीं कटेगी ना। अगर 5 तो किसी से नहीं कटेगा, 6 लेते हैं तो 6 6 से कट जाएगा बट 4 से नहीं कटेगा। तो हमें बात ये करना है कि दोनों से कटनी चाहिए, तो दोनों से जो संख्या कटेगी ना भाई, वो कौन सी होगी? सबसे पहली संख्या होगी 12 जो दोनों से कट जाए, उसके बाद इन दोनों से जो कट जाए वो हो जाएगी 24, और ये 36 और ये 48, ऐसे आपका ये सिलसिला चलेगा, आपका एलसीएम हो जाएगा 12। वाई, क्यों क्यों भाई? सभी कट रही ना, तो आपने एलसीएम 12 को क्यों लिखा, सबको क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, अभी हम हटेंगे, दिखेगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है? एलसीएम होता है मतलब छोटी से छोटी संख्या ली जाती है। ये तो थी बात सिंपल सी जो आपने देख लिया, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। बट अब हम बात करते हैं गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं। तो गुणनखंड विधि से करने से पहले आपको फैक्टर आना चाहिए। फैक्टर जानते हैं, ये होता है जिसे गुणनखंड बोलते हैं। ये 2 से पहले काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, और जब यहाँ 1 आए ना भाई, 1 आ जाए तो इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ दोनों नंबर लिख लेंगे, 4 और ये बगल में 6। देखिए, गुणनखंड विधि के लिए सजा रहे हैं ये, ठीक है? फिर इधर 6 का भी आप काट लीजिए फैक्टर, तो 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, मतलब इसका गुणनखंड क्या है, 2 और 2, तो इसे आप लिख लेंगे 2 गुणा 2, और इसका क्या आया, 2 और 3, 2 और 3। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर आप दोनों समझेंगे, ठीक है? दोनों समझेंगे, कैसे समझेंगे मैं आपको समझाऊंगा। इसको मिटा दूं, नहीं मिटाऊं, ठीक है, नहीं मिटाऊंगा। देखिए इधर क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों समझेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इधर साइड दिख रहा ना सभी को, अगर प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, देखिए ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत कुछ इसमें। देखिए, इसमें बात क्या है भाई, जो दोनों में मिल रहा है, 2 देखिए 4 वाले के गुणनखंड में भी है और 2 6 वाले में भी है, तो जो दोनों मिल रहा है पहले उसको घेर दो ऐसे फट से। ये 2 देखिए इसमें तो है बट इसमें नहीं है, इसका मतलब हमारा जो एच सी एफ हो गया बाबू, क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है? 2 HCF हो गया जो दोनों में मिल रहा है। बात होती है एलसीएम की, सॉरी, हाँ, एलसीएम की। एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में मिल रहा है पहले तो उसको लिख दो, बट एलसीएम का इतने से काम नहीं चलना, जो नहीं मिल रहा है उसको लिखो। पहले में कौन नहीं मिल रहा था, दोनों में जो छूट रहा है इसको भी लिख लो इसी में गुणा का लगा के, और फिर जो नीचे छूट रहा है 3 उसको भी अब गुणा करो, 2 दूना 4 3 12।
कहने का मतलब HCF यानी मासा केवल और केवल वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो, और LCM वो होती है पहले जो दोनों में कॉमन है उसको तो लिख लो, उसके बाद जो जिसमें छूट रहा है सबको बटोर के रख दो उसी में, बस कूड़ा कर दो। क्लियर हो गया ना? LCM क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको मैथ नहीं आती ना, हम आपको मैथ सिखाने की 100% नहीं 101% गारंटी लेते हैं, लेकिन अगर आपके दिल में मैथ सीखने की भरपूरी इच्छा है तब, नहीं तो नहीं। ठीक ना? देखिए कोई काम होता है ना बहुत वजह से होता है, एक क्या होता है तन से मन से और धन से, तीनों से कोई चीज सीखा जाता है। एक तो लोग देखी देखा सीखते हैं, एक जरूरत के लिए सीखते हैं, और एक अपनी रुचि से सीखते हैं, और एक अपनी पसंद से सीखते हैं। तो भाई अगर आपकी पसंद है, आपकी हॉबी है, तो आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप परीक्षा के लिए सीख रहे हैं तो हो सकता है मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमारी जो टीचिंग है ना वो पैसन है। इसलिए मैं 12 बजे रात्रि में लाइव पे आ जाता हूँ, 2 बजे आ जाता हूँ, 3 बजे, कभी भी, 24x7। मुझे कुछ भी ना बुरा लगे ना मुझे कुछ ऊब लगे। इसीलिए आपने देखा होगा 2 बजे रात की लाइव क्लास, जिसको आज तक 4 लाख लोगों ने देखा है, 2:30 बजे की क्लास भी देखा होगा, 1.5 लाख लोगों ने देखा है आज तक। तो आपके अंदर कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का शौक होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, LCM गुणनखंड विधि से अगर हमने लिया 12 और 14, इसका गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे? LCM यहाँ पर देखिए, तो ये आपका है कितना, पहला ऑप्शन है 42, बी वाला है 42, सी वाला है 48, डी वाला है नॉन ऑफ दीज। कितना आएगा मुझे नहीं पता, आप लोगों को बताना है। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है आपको बेसिक सीख लेना है, उसके बाद आप सब कर ले जाएंगे। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे इधर साइड में कहीं चुपके से, एक एक का, तो 2 का गुणनखंड करेंगे 12 का 2 छंग 12, और 2 3 6, और 3 1 3। अगर आपको ये गुणनखंड नहीं आता ना तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको गुणनखंड यानी फैक्टर बताएंगे कैसे होता है। फिर क्या करेंगे भाई, ये जो 14 था ना दूसरा वाला नंबर, इसको भी काटेंगे, तो 2 7 14, और ये 7 1 7, देखिए 1 आ गया, ही काम खत्म। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसमें बहुत कुछ देख सकते हैं। वो क्या क्या है देखिए, 12 कटा किससे किससे, 2 2 और 3, इसको लिख लो इसी में, 2 गुणा 2 गुणा 3। देखिए ये गड़बड़ झाला कर रहा है, इसको यहाँ से मिटा के हटा देता हूँ। ठीक है, 2 2 और कितना 3, तो ये हो गया 14। जो था वो कितने से कटा था, इधर नहीं जगह है ना, मैं नीचे बना देता हूँ भाई, ये 2 से कटा था 7 आया था, 7 से कटा था 1 आया था, यही आया था ना, मतलब 2 और 7 2 और 7। तो LCM की अगर बात करूँ तो क्या होगा, HCF और LCM दोनों, HCF बहुत आसान है, जो दोनों में मिल रहा है, दोनों में 2 है ना, बाकी कुछ नहीं है, HCF 2 हो गया। LCM की बात करूं तो जो दोनों में मिल रहा है उसको लिख लिए, ऊपर क्या छूट रहा था 1 2 और 1 3, उसको भी लिख लो भाई, जो छूट रहा है नीचे 1 7 छूट रहा है, कुछ भी छूटने ना पाए। 2 दूना 4 4 3 12, और 12 फते 84, 84 84 क्या होगा, LCM होगा, यानी 12 से भी कट जाए और 14 से भी कट जाए, तो 12 7 84, 12 6 72, 12 फते 84 ना, और 14 5 70, 14 6 84। कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो वो छोटी से छोटी संख्या होगी बाबू आपकी 84। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, राइट? समझ गए ना, समझ गए? अगर आप इस बात को, इस वीडियो को, इस क्लास को समझ गए ना, तो इसे अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, अवश्य शेयर करें, कम से कम अपने 3 4 फ्रेंड में जरूर शेयर करें, ऐसी हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, अगर आप समझ रहे होंगे तब। ठीक ना? नहीं समझे तो आप निसंकोच कमेंट करें, हम आपके साथ हैं 24x7, किसी भी टाइम पे आप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। जो लोग इसे फिर से देखना चाहते हैं वो वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हैं, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप कृपया वीडियो को कभी भी डाउनलोड ना करें, ठीक है, जब भी देखें ऑनलाइन देखें। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना भाई, क्योंकि इससे हमारा बेनिफिट होता है, आप ऑनलाइन देखते हैं तो ना, इसलिए तो ना यही सोच रहे होंगे ना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, तुरंत लाइक कर दीजिएगा, और एक बात दिमाग में अपने बसा लें कि मैथ आसान है। जी हाँ, मैथ आसान है, बिल्कुल आसान है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, मैथ आसान है कि आप उस लिंक पर तुरंत क्लिक करें और मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको 0 लेवल की मैथ, एडवांस मैथ में कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री और अलजेब्रा की भरपूर क्लास मिलेगी,
इतना ही नहीं, YouTube से ज्यादा आपकी क्लासेज जब अनअकैडमी पर होती हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें, अनअकैडमी पर अवश्य फॉलो करें। और चलते चलते इस क्लास को लाइक करके अपने मित्रों में भी शेयर करेंगे। ऐसी हमारी आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी हो सके, आपके जितने भी फ्रेंड हैं, अंकल आंटी भैया भाभी दीदी भैया जो भी हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टर ब्रदर जो भी हैं, सबको शेयर करें, कोई भी ना छूटने पाए भाई, बहुत से रिलेशन होते हैं दुनिया में। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, आपकी 6 बजे से होगी डीएलएड क्लास, 7 बजे से यूपी टेट सीटेट क्लास, यूपी पुलिस, बिहार SI।